हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आया था। आज हम फोर्थ टाइप ऑफ मास्किंग देखते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था लेयर मास्किंग, उसके बाद मैंने आपको क्लिपिंग मास्क बताया था, और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्विक मास्क बताया था। आज हम चौथी चीज़ करने जा रहे हैं, टेक्स्ट मास्क। टेक्स्ट टाइप मास्क टूल आपका होता है, जैसे मैंने अब फोटोशॉप ओपन कर लिया, यहाँ मैंने एक इमेज ओपन करके रखी हुई है, और यहाँ पे अगर आप टाइप टूल में जाओगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है, एक वर्टिकल टाइप टूल होता है, जिससे आप नॉर्मली टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। इसमें एक और टाइप टूल होता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये दोनों टूल मास्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्विक मास्क जैसा ही इसमें लेआउट आ जाता है। इनका यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड हो तो बैकग्राउंड के ऊपर ही हम बैकग्राउंड जैसा ही कोई टेक्स्ट वगैरह मास्किंग के थ्रू लिख के ला सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल ले रहा हूँ, और ये लेने के बाद मैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स पहले बना देता हूँ इतना इसके ऊपर। तो लॉरियल इप्सा डॉलर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ फोटोशॉप। ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, इसको सेलेक्ट ऑल करके सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज़ मैंने 120 कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं कर देता हूँ 150। तो ये कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको मूव टूल या आप सिलेक्शन टूल पे जाके क्लिक करेंगे तो ये एक सिलेक्शन बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, लेयर वाया कॉपी कर दूंगा तो इसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी न्यू लेयर पे, और यहाँ पे एडिट में जाने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मर्ज का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एडिट में ही जाके इसको पेस्ट कर लूँगा, या लेयर वाया कॉपी आप कंट्रोल जे कर सकते हैं। तो यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इसी बैकग्राउंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ लेयर पे, और यहाँ पे मैं इसके लेयर स्टाइल के ऑप्शंस दे दूँगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ यहाँ से, ड्रॉप शेडो का ही यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, ड्रॉप शेडो मैंने ऑन किया तो पीछे से ये इसकी शेडो भी ऑन हो गई। इसका ब्लेंड मोड हम मल्टीप्लाई रखेंगे, और शेडो मैं कुछ ये ग्रीन कलर की दे देता हूँ, ग्रीन में मैं डार्क ग्रीन कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस आप जितना चाहो उतना रख सकते हो शेडो का, और यहाँ से मैं इसको साइज़ दे सकता हूँ शेडो का कि कितना आप देना चाहते हो, मैं इसका कम देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रोक ले लेता हूँ, स्ट्रोक में मैं ब्लैक कलर की जगह यहाँ से कुछ ये वाला कलर ले लेता हूँ, और येलो कलर टाइप ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम येलो ले लेते हैं हल्का, या फिर यही वाली स्ट्रोक में ले लेता हूँ, और हल्के से डार्क पने पे इसको रख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका बैकग्राउंड में से निकलता हुआ। इसको आप बेवल एंड एम्बॉस भी दे सकते हो, जैसे बेवल एंड एम्बॉस मैंने दिया तो थोड़ा सा उभरा हुआ आप दिखा सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, डाउन में ये अंदर की तरफ जाएगा, अप में ऊपर की तरफ जाएगा। साइज़ इसका मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे मैं कम कर रहा हूँ आप ज़्यादा कर सकते हो तो मैं कम कर लेता हूँ। सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा देता हूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ड्रॉप शेडो में जाके मैं इसका डिस्टेंस कुछ हल्का सा बढ़ा देता हूँ इतना, और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो जितना आपको साइज़ चाहिए उतना, मैं 5 पिक्सल का कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैं ओके कर देता हूँ, और ये हमारी एक टेक्स्ट मास्किंग बन जाएगी। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। टेक्स्ट मास्क टाइप टूल का आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, ताकि आप डेकोरेटिव तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर ही उसके जैसा आप टेक्स्ट बना दो, ताकि उसके अंदर बैकग्राउंड का ही टेक्स्चर आ जाए। तो आप इस तरह से किसी भी शेप के अंदर भी कर सकते हो और टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो। टाइप मास्क मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि टेक्स्ट टूल में हम यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
ये मास टूल का हम यूज़ कैसे करें, क्योंकि ये सिलेक्शन बन जाता है। तो सिलेक्शन में तो आप नॉर्मली कलर फिल कर सकते हो, तो कोई स्पेशल बात तो ही नहीं। तो ये स्पेशल बात ही दिखाने के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल आज आपको बना के दिखाया कि आप यहाँ से इस तरीके से टाइप मास टूल का यूज़ कर सकते हो। आई होप मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।